स्टार्ट। बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का था कि वैसे तो पैंडमिक के ताल्लुक से सभी को मालूम है कि पिछले 7 महीने से सारी दुनिया परेशान है, कई जो है मरीज जो है इससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये बच्चों में जो है बहुत कम बच्चों को जो है इससे मुतासिर हो रहे थे। लेकिन हमारे पास पिछले हफ्ते जो है ना 2 ऐसे मासूम यानी 1 6 महीने का और 11 महीने का जो है ना बच्चा एडमिट हुआ जो सांस की तकलीफ और बुखार जो टिपिकल अलामतें हैं ये कोरोना निमोनिया के उसके साथ एडमिट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डॉक्टर साहब की मेहनत और जो है सही इलाज की वजह से जो है ना दोनों बच्चे जो है ना इम्प्रूव हुए। एक तो जो है कल शायद डिस्चार्ज हो चुका है। खास बात यही थी बताने की कि ये एज ग्रुप में बहुत कम जो है ये ग्रुप के पेशेंट या मरीज जो है ना आपको ये निमोनिया से मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जो है आपके एडमिट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है शायद या हुए हैं और एक तो डिस्चार्ज हो गया है, दूसरा भी इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आपकी तफसील बताना। लास्ट मंथ से यहाँ पे मैं बैठ हूँ और यहाँ पे लास्ट मार्च एंड से हम लोग केसेस देख रहे हैं, हर महीना 3 to 4 पीडियाट्रिक केसेस एडमिट होते हैं। यहाँ पे सेपरेट कोविड पेशेंट बच्चों के लिए भी ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज है, कम्प्लीटली डिफरेंट पीडियाट्रिक वार्ड फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स। जो बच्चे आते हैं जिनको दम चढ़ रहा, परेशान है, बुखार ज्यादा है, ठीक है, उनको एडमिट करा जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बड़ों के मुकाबले बच्चे तो बहुत ही कम इन्फेक्टेड होते हैं, हर महीना हमको एवरेज 4 to 5 केसेस मिलते रहते हैं। और यहाँ पे और एक चीज क्या है, यहाँ पे NICU भी है कोविड बेबीज के लिए। प्रेग्नेंट मदर जो आती है कोविड पॉजिटिव रहती है, डिलीवरी के बाद एक सेपरेट फैसिलिटी है कम्प्लीट कोविड पॉजिटिव बेबीज के लिए भी ट्रीटमेंट रहता है। तो ये आपको बस मैं यहाँ की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया दे रहा हूँ। मेरी सेपरेट टीम ऑफ डॉक्टर्स पूरे हैंडल करती हूँ, पीडियाट्रिशियंस बच्चों के जो डॉक्टर रहते हैं, ऊपर एक सेपरेट फ्लोर है कोविड का पूरा, उसमें भी सेपरेट किया गया है, पीडियाट्रिक्स के लिए सेपरेट है और NICU में भी सेपरेट फैसिलिटीज में प्रॉपर मॉनिटरिंग रहता है। बच्चों का मसला क्या है, ये बेसिक आपको बताने का ये कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जो हैं, जो बच्चे हाई रिस्क इनको बोला जाता है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जो बच्चा कमजोर है, वजन काफी कम है, पैदाइशी कमजोर हुआ है, ये बच्चों को हाई रिस्क केसेस में गिना जाता है। तो ऐसे बच्चों को अगर खुदा ना करे हुआ तो इसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी रहता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़े अलार्मिंग साइंस रहते हैं जो बच्चों को, अगर नॉर्मल बच्चा भी है और तो उसको बुखार 4 से 5 दिन चढ़ रहा, दम चढ़ रहा, उसके रिपोर्ट्स थोड़े खराब आ रहे, जैसे CBP CRP बढ़ के आ रहे, टेस्ट एक्सरे में बहुत चेंजेस दिख रहे, तो ये भी हाई रिस्क केसेस रहते हैं, ये बच्चे बिगड़ने का चांस रहता है। तो इन बच्चों में अगर जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा गया, इग्नोर नहीं करे, तो आउटकम विल बी फार बेटर। एवरी मंथ वी आर गेटिंग एवरेज ऑफ 4 to 5 केसेस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है बच्चों में, ये जो पहला फेज रहता है इसको हम एंटीजन बोलते हैं। जो बड़े बच्चे मोस्टली प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े बच्चे बिगड़ते हैं। प्रोटेक्शन आने के बाद जो एंटीबॉडी फेज बोलते हैं बच्चों में, उसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं। और 10 to 15% ऑफ बच्चों में ये काफी देखा जा रहा है हमारे पास, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम को जल्दी डायग्नोज करना रहता है। और इसलिए थोड़ी ट्रीटमेंट है जो सही वक्त में अगर स्टार्ट करें तो इसका आउटकम काफी अच्छा रहता है। और अगर ये नए बेबीज को अगर जो कोविड पॉजिटिव हैं, ये सिम्टोमेटिक हैं, तो हम उसको भी डिस्चार्ज जल्दी करते हैं विद प्रॉपर काउंसलिंग, दैट दे नीड प्रॉपर फॉलोअप, उनको वापस आके उनको बताने का रहता है। ये एक टाइम पीरियड रहता है, पहले कोविड हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद ये डर रहता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ये बेसिक चीज वही जानने की जरूरत है। ये बच्चों को फॉलोअप में रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर फॉलोअप में इनके ब्लड पैरामीटर्स थोड़ा बढ़ गए हैं कुछ है तो फॉलोअप किया जाता है, जरूरत पड़ा तो एडमिट करते हैं। अभी सर ने जिस केस के बारे में बताया, दैट्स 11 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड, आपको उसका डिटेल्स बताया जाएगा। वो 4 दिन पहले आया था यहाँ पे, इट वॉज अ कोविड पॉजिटिव केस, उसको काफी दम चढ़ रहा था, इमरजेंसी में आए थे, हमने ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन स्टार्ट की और बेसिक सपोर्टिव थेरेपी,
विद इन 48 आवर्स इट इम्प्रूव ड्रास्टिकली, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट था उसका। ऑक्सीजन निकाल लिया गया है, बच्चा अभी स्टेबल है। दो पेशेंट थे, एक तो ऑलरेडी डिस्चार्ज हुआ है, ये पेशेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो मेन बोलने का मकसद ये है कि अगर कुछ नजला है, सर्दी है, खांसी है, तो इग्नोर मत करिए, पीडियाट्रिशियन को बताइए। यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी है तो उसको देखा जाएगा ओपीडी बेसिस में, कुछ मसला है तो फर्दर काउंसलिंग किया। बड़े बच्चों बता रहा हूँ, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम देखा जा रहा है, ये पहले स्टेज में नहीं होता सर, बाद में हो रहा है, एक 4 से 6 हफ्ते के बाद कोविड हो गया बच्चे को, बच्चा ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया, बाद में उसको बॉडी रैशेस, फीवर, हाई ग्रेड इन्फेक्शन आता है। तो ये क्या होता है, जो फेफड़े में था कोविड वो ब्लड में जाता है, तो ये पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, इसको मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। तो ये चीज को पकड़ में लाना है, तो अगर इसको फॉलोअप में बेबीज को रहे तो वो मिल जाता, इसे हाईलाइट करना था। और वैक्सीनेशन का जो मसला है, पूरा वैक्सीन दे रहे हैं, जो नॉर्मल वैक्सीनेशन रहता है बच्चों के लिए वो सब देना है, रूटीन वैक्सीन जो रहता देना है, और बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना है, ठीक है, थोड़े हेल्दी विटामिन रहते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, विटामिन डी रहता है, विटामिन सी रहता है, वो देते रहना, ठीक है, और पीडियाट्रिशियंस के टच में रहना है। अनफॉर्चुनेटली अगर बुखार ज्यादा 3 दिन से है, दम चढ़ रहा है, प्लीज गो टू हॉस्पिटल, बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन। इंटरवेंशन अगर उसमें हम इंटरवीन जल्दी करें, देर करें तो परेशानी हो सकती है। ये मैसेज मैं दे रहा हूँ सैयद इरशाद मुस्तफा। जो है ना आउटकम के ऊपर, एक तो ये है वायरस को किल करना, लेकिन इससे क्या बीमारी में फर्क आ रहा, उसकी अलामतों में फर्क आ रहा, ये अभी कुछ देखा नहीं गया है। इसीलिए जो है ना, यानी कोई खातिर खा डेफिनेटिव इलाज जिसको बोलेंगे, जैसा कि टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक दिए और टाइफाइड ठीक हो गया, वैसी कोई चीज अभी मालूम नहीं हुई। मामूली नॉर्मल दवा के पीपीई किट्स हैं, समझे तो मास्क हैं, और जो है ये सारे चीजों से लॉजिस्टिक्स हैं, सेपरेशन करना है, आपको बैटरी कम कर देते हैं, आपको जो है ना रूम्स में आइसोलेट करके रखना है, तो इसमें जो है ना द कॉस्ट, और उससे हटके जो है ना अब हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है, क्योंकि देयर रिस्क ऑफ वर्किंग सच पेशेंट्स, इनके लिए भी तो उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ा, तो उसके लिए भी जो है ना द कॉस्ट है एस्केलेट। उस दौरान दूसरे चीजें डैमेज नहीं होना देना, सपोर्ट देना, तो ये एक टाइम लिमिट में वायरस भी रिकवर करता है, बॉडी इम्यूनिटी टेक्स ओवर, लेकिन जब तक बॉडी इम्यूनिटी फुल फ्लेज नहीं है आपको सपोर्ट देना है, फेफड़ा फेल हो रहा है, फेफड़े का सपोर्ट जो भी है, अगर लीवर एंजाइम्स कुछ हो रहे तो उसका सपोर्ट, इन्फेक्शन दिख रहा तो बड़ा एंटीबायोटिक लगाना, इसको हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं या सपोर्टिव थेरेपी बोलते हैं, जो डेफिनेटिव नहीं है, जैसे टाइफाइड के लिए सर्वल इंजेक्शन इसके लिए वैसा नहीं है, उसको हम उसी टाइम एसेस करते हैं इसको क्या जरूरत है फर्दर डिटरेंट होने से रोकने के लिए, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 888-555-6786.